गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस बाइक को R15 V4 से कंपेयर करूंगा। तो इसका पहला इसमें ये चीज़ R15 से बेटर है, इसके इंडिकेटर, इसमें LED इंडिकेटर मिलते हैं आपको, जबकि R15 V4 के अंदर हेलोजन मिलते हैं हमें। मैं जला के दिखाता हूँ आपको एक बार, इंडिकेटर देखो आप इसमें, ये देखो LED है, दिखने में अच्छे लगते हैं। और R15 में ये चीज़ बेकार है, यामा को सुधारनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मेरे को इस बाइक में अच्छी लगी वो इसका R15 V4 से इसका साउंड बहुत बेटर है। लाउड एग्जॉस्ट है, तीसरी चीज मेरे को इस R15 से इसमें बेटर ये लगी इसकी लाइट। नाइट के अंदर तो अभी दिखा नहीं सकता, अभी तो डे है, लेकिन नाइट के अंदर है ना इसकी आगे वाली जो हेडलाइट है ना, ये R15 से ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा है। अभी मैं डे में ही दिखा रहा हूँ, दिखेगी तो नहीं साफ, नाइट में दिखती है तो, लेकिन R15 से तो बेटर है। इसकी नाइट टेस्टिंग भी लाऊंगा मैं, नाइट में R15 को और इसका कंपेयर करूंगा। एक इसमें ये वाली लो बीम है, ये हाई बीम है। और R15 V4 से इसकी एक चीज़ और बढ़िया है, जो कि है इसकी पावर। इसके अंदर लगा है अपने 200 CC का इंजन, R15 में 155 CC का इंजन होता है, और ये प्रोड्यूस करता है 25.5 PS की पावर, मैक्स पावर। और R15 की होती है 18.9 PS की पावर 10,000 RPM पे, तो इसमें ये पावर के मामले में भी आगे निकल चुकी है। और लास्ट में जाते जाते मैं लास्ट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो कि इस R15 से मुझे इसमें पर्सनली अच्छी लगी, वो है इसके लुक्स। देख सकते हो आप, किसी को R15 V4 का पसंद आता है लुक्स, किसी को KTM पसंद आती है, लेकिन मुझे तो पर्सनली इसी के लुक्स अच्छे लगते हैं, आगे से कहीं से भी, पीछे से, साइड से, आगे से। तो लास्ट में बस ख़त्म करता हूँ मैं ये वीडियो को, और ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।